तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में आपको जो एक ब्लूटूथ स्पीकर बनाना सिखाऊंगा। तो गाइस देख सकते हो इस तरह का जो ब्लूटूथ स्पीकर होने वाला है, बहुत ज्यादा जो कॉम्पैक्ट और बहुत ज्यादा जो खूबसूरत भी होने वाला है। और गाइस इसका जो बेस क्वालिटी है, साउंड क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छा होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि गाइस इसमें जो इतना भी खास क्या है, मैंने जो है ऑलरेडी चैनल पर जो ब्लूटूथ स्पीकर के ऊपर वीडियोस बना चुका हूं। तो गाइस इसमें उससे और इसमें जो बहुत ज्यादा जो फर्क है, ये जो है बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाला है। गाइस ये जो है 2-in-1 होने वाला है, इसमें जो और भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो फीचर भी है इसने का, ये जो खास है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना, स्किप मत करना। चलिए चलिए आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस ब्लूटूथ स्पीकर का जो है बॉडी को बनाने के लिए मैं यहाँ पर जो पीवीसी पाइप का यूज़ कर रहा हूँ। सो गाइस चलिए सबसे पहले इसको जो है हम लोग यहाँ पर 4 इंची से जो है पीस जो है हम लोग कट करने थे, छोटा सा पीस। सो गाइस यहाँ पर जो है कट हो चुका है, हम लोग भी थोड़ा बहुत जो है जादू मैजिक जो जानते हैं। सो गाइस चलिए अभी इसको जो है आपको हीट करना है हीट गन से। अगर आपके पास हीट गन नहीं है तो गैस पर जो है आप इसको गर्म कर सकते हो। सो गाइस गर्म करने के बाद आपको इस तरह से जो इसको वो शेप देना होगा। गाइस मां कसम मुझे जो है बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है इसको इस तरह का शेप देने के लिए। तो गाइस इस मेहनत पर जो है एक नाइक तो बनता है। सो गाइस अभी जो इसको दोनों साइड से आपको बंद करना है, तो बंद करने के लिए मैंने यहाँ पर दो जो है पीस इस तरह से कट करने हूँ। आप यहाँ पर प्लास्टिक का भी यूज़ कर सकते हो, फिलहाल मैंने यहाँ पर जो है कार्डबोर्ड का यूज़ किया हूँ। सो गाइस चलिए अभी जो यहाँ पर दो स्पीकर मैं यूज़ कर रहा हूँ 4 वाट का। तो मैंने यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत जो इसको मार्कर से ड्रॉ करने हूँ, अभी यहाँ पर आपको कट लगाना है। सो गाइस कट लगाना हो चुका है, जो हमारा तीसरा जो कट है उस पर क्या लगेगा तो आपको वीडियो के अंत में पता चलेगा। इसने गाइस वीडियो को पूरा अंत तक देखो। सो गाइस अभी जो यहाँ पर आपको दो स्विच को आपको लगाना है, तो उसके बाद फिर दोनों स्विच का क्या काम है आपको पता चलेगा। उसके बाद चार्जिंग करने के लिए एक जो आपको फीमेल पिन चाहिए, उसके साथ यहाँ पर जो आपको इंडिकेटर जो है चलाने के लिए आपको जो है एक इंडिकेटर के लिए देख सकते हो एक इंडिनाइट, इसके साथ 1K का रजिस्टर। सो गाइस अभी यहाँ पर थोड़ा बहुत जो कनेक्शन करना है, कनेक्शन बहुत ज़्यादा ईजी है यहाँ पर, आपको कोई डायग्राम का जो है नहीं चाहिए ज़रूरत। तो आपको करना क्या, जो एनडी का जो कोई भी एक जो है नेक पर आपको 1K का रजिस्टर को लगाना है, उसके बाद फ्रेंड्स आपको चार्जिंग पिन पर जो आपको डायरेक्ट कनेक्ट करना है। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो चार्जिंग पिन से जो मैंने डायरेक्ट प्लस एंड माइनस को जो निकाल लिया कुछ इस तरह से। उसके बाद फ्रेंड्स इस तरह से आपको कुछ जो है फॉर्म लेना है, इसको फॉर्म भी कह सकते हो, मैं यहाँ पर जो फॉर्म कहता हूँ। उसके बाद आपको करना क्या है, कुछ इस तरह से जो आपको इस पर जोड़ना है। गाइस इसका काम क्या है, बहुत ज़्यादा जो इसका काम है गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इससे क्या होगा, जो हमारा साउंड क्वालिटी है इसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है अच्छा होगा। सो गाइस अभी देख सकते हो मैंने सारा कुछ पर जो अच्छे से मैंने अंदर की तरफ आपको लगाना है गाइस, बाहर की तरफ नहीं अंदर की तरफ। आपको देख सकते हो मैंने इसके अंदर भी अच्छे से यहाँ पर लगा दिया हूँ फोम को। सो गाइस अभी यहाँ पर जो सारा कुछ आपको कनेक्शन करना है, उसके बाद इस तरह आपको प्लास्टिक का पीस लेना है। क्या करना है अभी आपको, क्या करना है गाइस, यहाँ पर आपको जो मैं यहाँ पर जो है देख सकते हो इस तरह का जो एक एलईडी लाइट का यूज़ करूँगा, तो इसको लगाने के लिए मैं यहाँ पर ऑन करने आऊँ और इसको स्क्रू से लगाने हूँ। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो प्लस माइनस हमारा वायर है, तो इसको मैंने इस तरह से बाहर निकाल लेता हूँ। और गाइस यहाँ पर जो ब्लूटूथ जो स्पीकर है गाइस बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत ज़्यादा शानदार और यूनिक जो है डिज़ाइन का होने वाला है। सो गाइस अभी चलिए इन सभी को जो यहाँ पर हम लोग लगा लेते हैं। उसके बाद फिर मैं जो इस वाला जो है ब्लूटूथ मॉड्यूल का यूज़ कर रहा हूँ, तो आप जो इसको यूज़ कर सकते हो या फिर आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हो। भाई इसका जो बाइंडिंग है मैं डिस्क्रिप्शन उस पर दे दूँगा। तो अभी यहाँ पर कनेक्शन बता दूँ। सो भाई यहाँ पर जो पुश बटन है, पुश बटन का जो देख सकते हो क्रॉस क्रॉस जो हमारा है अपोजिट साइड पर जो 2 पिन, वहाँ पर आपको जो है वायर को कनेक्ट करना है, उसके बाद स्विच पे लगाना है। सो भाई इसका जो चार्ज करने का जो चार्जिंग पिन है भाई गाइस उखड़ चुका है, तो इसका जो बहुत पुराना जो स्टोरी है। तो अभी आपको किस तरह से आपको फाइंड करना है, आपको करना है इसका पूरा का पूरा बॉडी जो है हमारा ग्राउंड है और दूसरा जो यार है इससे आपको कुछ तरह से जो आपको टच करके देखना है, फाइंड करना है कौन सा जो कहाँ पर आपको लगाना है प्लस एंड माइनस। तो ग्राउंड तो हमने निकाल लिया हूँ, उसके साथ प्लस का भी जो है निकाल चुका है। तो गाइस देख सकते हो इस तरह से वहाँ पर आपको जो इसको लगाना है, तो इस तरह से आप जो ढूंढ सकते हो कहाँ पर आपको कनेक्शन करना है। सो गाइस अभी यहाँ पर जो कनेक्शन कर लेते हैं। सो गाइस ब्लूटूथ मॉड्यूल को जो है ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर जो है पुश स्विच का जो है 2 पिन में आपको दिखाया था, वहाँ पर आपको सोल्डरिंग करना है स्विच का 2 वायर। सो गाइस हो चुका है, अभी आपको जो है चार्ज करने के लिए चार्जिंग पिन को जो लगाना है। सो गाइस यहाँ पर ग्राउंड पर आपको ग्राउंड का जो चार्जिंग पिन से डायरेक्ट आ रहा है वहाँ पर आपको लगाना है, इनपुट देना है। और दूसरा जो प्लस माइनस है, प्लस का जो वायर है वहाँ पर आपको लगाना है, जो ब्लूटूथ मॉड्यूल का जो जहाँ पर आपने प्लस का वायर को ढूंढा था वहाँ पर आपको कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सेफ्टी में जो है यूज़ करना है, अगर आपका जो पिन नहीं उखड़ता है तो आप जो इजीली यहाँ पर कनेक्शन कर सकते हो। सो अगर कनेक्शन समझाता हूँ, कनेक्शन बहुत ईजी है, जो इनपुट आ रहा है हमारा चार्जिंग पिन से इनपुट आपको डायरेक्ट देना है कुछ इस तरह से। उसके बाद आपको करना का जो स्विच का, तो जो वायर है उसको पुश स्विच पे आपको लगाना है, बहुत ईजी है गाइस, यहाँ पर कोई डायग्राम का जो ज़रूरत नहीं है।
सो गाइस आप तो मैंने इसको भी यहाँ पर फिट कर दिया हूँ अच्छे से, और मैंने यहाँ पर अच्छे से फिट किया हूँ, आपको भी अच्छे से फिट करना है स्क्रू से अच्छे से टाइट करके। गाइस यहाँ पर दूसरा भी जो स्विच लगाने आऊँ तो इसका क्या काम है आपको वीडियो के अंत में जो पता चलेगा। सो गाइस यहाँ पर जो है आपको दो, आपको जो दो बैटरी लेना है 18650 का, दोनों को जो आपको पेंडेंट पर कनेक्ट करना है, जिससे क्या होगा इसका इमेज जो है बढ़ जाएगा, बॉन्डेज सेम रहेगा। सो इसको भी मैंने यहाँ पर अच्छे से फिट करना है, और स्विच करने से पहले यहाँ पर जो है अभी आपको कनेक्शन भी करना है, जो हमारा स्पीकर का जो है 4 वाट का स्पीकर है, दोनों पर जो आपको प्लस माइनस देख के जो आपको यहाँ पर वायरिंग करना है। तो इसका जो वायर है गाइस ये जो मॉड्यूल के साथ ही आया है, तो आप जो है यहाँ पर आन भी सकते हो, अभी जो है नक से लगा सकते हो। सो गाइस यहाँ पर जो बैटरी को भी मैंने यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर टाइट करके फिट कर दिया हूँ, कुछ इस तरह से देख सकते हो। सो गाइस यहाँ पर सारा कुछ जो अभी हो चुका है, अभी गाइस यहाँ पर आपको असेंबल करना है, तो आपको जो है स्टेप बाय स्टेप जो सारा कुछ आपको यहाँ पर कुछ से फिट करना है। और गाइस मैंने जो इसको बहुत अच्छे से जो फिनिशिंग के साथ जो है अच्छे से यहाँ पर इसको कट किया था, इसके लिए जो है यहाँ पर कोई ग्नू का ज़रूरत नहीं है, मैं जो है इसको अच्छे टाइट करके यहाँ पर ठोक ठोक के फिट करने आऊँ। तो गाइस यहाँ पर सारा कुछ हो चुका है, अभी आपको करना क्या है, जो हमारा नाइट का जो नाइट जो है गाइस हमने लगाया था सामने की तरफ, उस पर जो आपको एक स्विच का कनेक्शन करना है, तो इसका भी कनेक्शन बहुत ईजी है, आपको करना है इसको जो नाइट का प्लास बना है इसको डायरेक्ट जो आपको बैटरी पे लगा देना है, और कोई भी एक वायर पर जो आपको स्विच का वायर लगाना है, बहुत ईजी है, मैं इसका डायग्राम दे दूंगा बाहर से आप समझ सकते हो। सो गाइस सारा कुछ हो चुका है, अभी यहाँ पर जो है जो स्पीकर का जो दो वायर है दोनों को आपको ब्लूटूथ मॉड्यूल पे लगाना है कुछ इस तरह से। सो गाइस देख सकते हो मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पर लगा दिया हूँ। उसके बाद जो हमारा बैटरी का जो 3.7 वोल्ट बैटरी का जो है उसको भी ब्लूटूथ मॉड्यूल में हमने दे दिया हूँ गाइस इनपुट। सो गाइस सारा काम हो चुका है, अभी इसको जो है आपको अच्छे से जो है लगा देना है गाइस, और लगाने से पहले आपको वायर को जो अच्छे से मैनेजमेंट करना है, तो मैं यहाँ पर फिनल नहीं कर रहा हूँ, आपको मैनेजमेंट अच्छे से करके उसके बाद आपको लगाना है। सो गाइस यहाँ पर आपको ठोक ठोक के थोड़ा सा ध्यान रख के जो आपको लगाना है, लगाने का तो आप इंस्टेंट ग्लू से लगा सकते हो या फिर ना भी लगा सकते हो। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो सारा कुछ हो चुका है यार, हमारा जो परफेक्ट हो चुका है पूरा बन के तैयार। आपको जो यहाँ पर और भी एक काम करना है जो कि कहीं बहुत ज़्यादा यूनिक आइडिया है, तो आपको करना है आपका जो है जींस ना है जींस को कट करना है। सो गाइस फिर आपका जो जींस ना मत कट करना है, तो आपका जो मम्मी या मम्मी डांट के जो आपको घर से बाहर निकलना है। सो गाइस अभी जो इसका आपको कपड़ा भी आपको पहनाना है इसको अच्छे से। सो गाइस चलिए इसको हम लोग कपड़ा पहनाते हैं। सो गाइस इसका जो आपको माफिक जो आपको कुछ तरह से कट करके, सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो सारा कुछ हो चुका है, हमने जो ब्लूटूथ मॉड्यूल को ब्लूटूथ जो स्पीकर है अच्छे से यहाँ पर बन चुका है, उसको ऊपर जो हमने जींस का कुछ तरह से जो है फिट कर दिया। सो गाइस इसका डिज़ाइन इसका नुक कैसा लग रहा है आपको कमेंट में ज़रूर बताना। सो हम लोग चलिए गाइस जल्दी से जल्दी जो इसका साउंड टेस्टिंग करते हैं। गाइस यहाँ पर देख सकते हो पूरा कवर जो है बन के तैयार है। सो गाइस यहाँ पर बहुत अच्छा भी लग रहा है देखने में। गाइस यहाँ पर जो मैंने क्या किया, जो जींस का जो पैंट आता है इसको मैंने कट किया, और इसके ऊपर जो पूरा कपड़ा जो इसका कपड़ा है मैंने चारों तरफ से इसको निकालने, और निकालने के बाद देख सकते हो इसको जो कट करके यहाँ पर जो स्पीकर को भी बाहर जो है निकालने आऊँ, और इसके जो पीछे का साइड जो स्विच है हमारा स्विच को भी निकालने हूँ। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो यार हमारा ब्लूटूथ को ऑन करने के लिए, इसके साथ जो है हमारा इमरजेंसी लाइट को यूज करने के लिए, इसके साथ ये छोटा सा जो है हमारा चार्जिंग इंडिकेटर है, और वरना जो हमारा चार्ज करने के लिए। सो गाइस सारा कुछ जो आपको दिखाएंगे टेस्टिंग करके। तो चलिए अभी जो इसका टेस्टिंग करते हैं, तो टेस्टिंग करने के सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पर जो इसका नाइट है नाइट को हम लोग ऑन करते हैं। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से जो ऑन हो रहा है, और गाइस जो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और गाइस इसका जो ब्राइटनेस है गाइस बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा गाइस इसका ब्राइटनेस है। अभी मैं आपको जो साइट में जो है शो कर दूंगा स्क्रीन पर, तो आप लोग जो शो हो रहा है इसका जो मैं नाइट वोट ऑफ करके जो मैं यहाँ पर जो टेस्टिंग कर रहा हूँ, तो आप लोग जो यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से जो इसका ब्राइटनेस है बहुत अच्छा है, इसका जो ब्राइटनेस आप लोग एवं जो सर्किट का यूज़ करते हो तो आपको जो कुछ इस तरह से इसको ऑन करना है। तो आपको करना क्या है, जो हमारा स्विच है इसको कहीं ऑन करने के बाद जब ब्लूटूथ मॉड्यूल ऑन हो जाएगा उसके बाद आपको जो इसको फिर से ऑफ कर देना है। तो आपको करना क्या है, देख सकते हो ऑन हो गया, हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल जो ऑन हो चुका है, अभी आपको इसको ऑफ कर देना है। सो गाइस यहाँ पर जो मैं फिर से करता हूँ, सो गाइस जो हमारा ब्लूटूथ ब्लूटूथ मॉड्यूल जो हमारा ऑन हो चुका है, और ऑन होने के बाद जो मैंने फिर से इसको ऑफ कर दिया हूँ, तो गाइस फोन के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो चलिए अभी जो है साउंड टेस्टिंग करते हैं और आपको सुनाते हैं इसका साउंड टेस्टिंग कितना अच्छा आ रहा है, और आप लोग जो कमेंट में बताना इसका साउंड टेस्टिंग जो है कितना अच्छा है क्या आ रहा है सारा कुछ जो आप लोग बताना। तो चलिए अभी जो गाना को जो चालू करते हैं। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो कुछ तरह का साउंड क्वालिटी जो आ रहा है, तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो कुछ तरह का जो साउंड क्वालिटी आ रहा है, तो मैं जो आपको इसके पास जो लेके जाता हूँ उसके बाद फ्रेंड्स, तो इसके पास जो मैं आपको लेके जाता हूँ उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग सुनना। तो दोनों चीज को जो एक साथ यहाँ पर काम कर सकते हो। सो क्या चाहिए अब इसको ऑफ कर लेते हैं, तो आपने बहुत अच्छा जो इसका साउंड क्वालिटी आपने देख सकते हो।
सो गाइस अभी मैंने इसको जो फिर से ऑफ कर दिया हूँ। सो गाइस ऑफ हो चुका है। सो गाइस आपको साउंड क्वालिटी कैसा लग रहा है आप लोग जो है, सो गाइस आपको साउंड क्वालिटी कैसा लगा आप लोग जो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और गाइस इसका साउंड क्वालिटी तो बहुत अच्छा है, आप लोग जो हेडफोन का यूज करना जिससे जो आप जो बेटर क्वालिटी यहाँ पर सुन सकते हो। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ और एक धमाकेदार वीडियो के साथ। और जाते जाते और एक बात, अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर जो है फॉलो करना चाहते हो या फिर मुझे मेरे बारे में जो है डेली अपडेट आपको जानना है तो मुझे जो इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जो है लिंक है या फिर जो है यहाँ पर शो रहा है मेरा इंस्टाग्राम का आईडी, वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ और एक धमाकेदार वीडियो है और बहुत जो है धमाकेदार जो है आने वाला है वीडियो, तो इसने अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप लोग वीडियो चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो। अगर इसको बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगा, इसने जो है लाइक जरूर से करके जाना। सो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ और एक धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक गुड बाय, जय हिंद जय भारत।